देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय YouTube चैनल सूचना पल पल भट्टू में। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटारा। गांव बनमंदोरी में 28 मार्च को बिजली मंत्री रणजीत सिंह एक समारोह में लेंगे भाग। गांव बनमंदोरी में 28 मार्च को बिजली मंत्री रणजीत सिंह एक समारोह में भाग लेने पहुंचेंगे। शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार आगामी 28 मार्च को बिजली मंत्री रणजीत सिंह के सम्मान में गांव बनमंदोरी में समारोह का आयोजन होगा। इस दौरान वे अपने समर्थक ब्रजलाल बागड़ी के निवास स्थान पर जलपान समारोह में भाग लेंगे। ब्रजलाल बागड़ी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान फतेहाबाद के विधायक चौधरी धुड़ाराम भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जो कि यहां लोगों से रूबरू होते हुए जन समस्याएं भी सुनेंगे। उसके बाद फतेहाबाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह परिवादों की सुनवाई करेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग खंड भट्टू कलां की खेलकूद प्रतियोगिता हुई आयोजित। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भट्टू कलां के खंड स्तरीय ग्रामीण महिला खेलकूद प्रतियोगिता शुक्रवार को राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता के दौरान महिला व बाल विकास खंड अधिकारी रेखा ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लेते हुए हरी झंडी दिखा प्रतियोगिता की शुभारंभ किया। इस दौरान आयोजित साइकिल रेस में मोनिका ढांड प्रथम, कविता ढांड द्वितीय, नीतू भट्टू मंडी तृतीय स्थान पर रही। 300 मीटर दौड़ में रेखा डिंगसरा प्रथम, मोनिका ढांड द्वितीय, कोमल ढांड तृतीय स्थान पर रही। 400 मीटर की रेस में रेखा डिंगसरा प्रथम, मोनिका ढांड द्वितीय, कविता ढांड तृतीय स्थान पर रही। 30 वर्ष से ऊपर की महिला के लिए आलू चम्मच दौड़ में कविता पत्नी दलवीर निवासी गांव जांडवाड़ा बागड़ प्रथम, निर्मला खाबड़ा द्वितीय, कविता पत्नी प्रदीप निवासी जांडवाड़ा बागड़ तृतीय स्थान पर रही। मटका दौड़ में कविता पत्नी दलवीर प्रथम, कविता पत्नी प्रदीप द्वितीय, सावित्री भट्टुकला तृतीय स्थान पर रही। 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में सुमन ढिंगसरा प्रथम, कविता पत्नी दलवीर जांडवाड़ा बागड़ द्वितीय व कविता पत्नी प्रदीप जांडवाड़ा बागड़ तृतीय स्थान पर रही। प्रतियोगिता में विजेताओं को प्रथम स्थान के लिए 2100 रुपये, द्वितीय के लिए 1100 रुपये व तृतीय स्थान के लिए 750 रुपये की राशि विभाग द्वारा प्रतिभागी के अकाउंट में भेजकर पुरस्कृत किया जाएगा। विभागीय अधिकारी रेखा ने बताया कि खंड स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता जिला स्तर पर 28 मार्च को पुलिस लाइन में होने वाली प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगी। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर प्रथम स्थान के लिए 4100 रुपये, द्वितीय स्थान के लिए 3100 रुपये व तृतीय स्थान के लिए 2100 रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का उद्देश्य ग्रामीण आंचल में छिपी प्रतिभाओं को उभारने का मौका देना है। इस अवसर पर सुपरवाइजर राजबाला कौशल, वीरेंद्र बेनीवाल, राजेंद्र सिंह, पीटीआई मैना देवी, रेणु भजनलाल, रवि सहित अनेक स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। AHPC वर्कर यूनियन सब यूनिट भट्टू कलां की गेट मीटिंग आयोजित। AHPC वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा भट्टू कलां सब यूनिट ने शुक्रवार को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपमंडल कार्यालय पर 28 व 29 मार्च की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए सब यूनिट प्रधान भाल सिंह भद्रचा की अध्यक्षता में गेट मीटिंग का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सरकारी महकमों का बहुत तेजी के साथ निजीकरण कर रही है। निजीकरण किसी भी कर्मचारी के लिए लाभकारी नहीं है और न ही जनता के हित में है। निजीकरण में कर्मचारियों और आम जनता का शोषण होता है। सभी विभागों में कच्चे कर्मचारियों की भरमार है। इसी के रोष स्वरूप इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सभी कर्मचारी एकजुटता के साथ भाग लेंगे और इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल को कामयाब करेंगे। इस दौरान यहां इस अवसर पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा खंड प्रधान मनोहर लाल शर्मा, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला सचिव देशराज माचरा, जिला प्रेस सचिव रामनिवास उबा, जिला कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण चंद्र जाखड़, भजन लाल, लद्दू राम, विनोद कुमार, राजकुमार, अशोक कुमार, सुमंदर सिंह, भजन लाल सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे।
राजनीतिक तौर पर पेट जमा महेंद्र खाबड़ा अब आम आदमी पार्टी में हुए सक्रिय। राजनीतिक तौर पर अपनी पेट जमाने को लेकर महेंद्र खाबड़ा अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर अपनी सक्रियता एक बार फिर तेज कर दी है। 1996 में जनता दल पार्टी के विधानसभा उम्मीदवार के तौर पर महेंद्र खाबड़ा ने हिसार से चुनाव लड़ा था, जो जनता दल के जनरल सेक्रेटरी रहे। हरियाणा विकास पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट व जनता दल यूनाइटेड पंजाब के संगठन सचिव भी रहे। अब उन्होंने हरियाणा में अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज करने को लेकर आम आदमी पार्टी में विश्वास जताते हुए अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेजी से शुरू कर दी है। हिसार सूर्यनगर में रहने वाले महेंद्र खाबड़ा आप पार्टी में शामिल हो गए हैं। महेंद्र खाबड़ा को पंचकुला में हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता व चुनाव प्रभारी विधायक सौरभ कुमार ने पार्टी की टोपी व पटका पहनाकर उन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल किया है। महेंद्र शर्मा ने कहा कि वे आप पार्टी में लगन, मेहनत व निष्ठा से काम करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आप पार्टी का हरियाणा में तेजी से बढ़ते जनाधार ने प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों में गहरी निष्ठा एवं विश्वास बढ़ रहा है, जिससे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी का विकल्प नहीं रहेगा और हरियाणा की टीम में प्रभारी सुशील गुप्ता जैसे निष्ठावान जुझारू नेता हरियाणा की राजनीति में नया मोड़ देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल आज देश भर में सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। आने वाले समय में आप पार्टी हरियाणा में भी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चहुंमुखी विकास कार्य किए हैं, वैसे ही पंजाब के लोगों के लिए तरक्की के मार्ग पर चलेंगे। महेंद्र खाबड़ा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में आप पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें वे हरियाणा के लोगों को आप पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे। राजकीय महाविद्यालय भट्टुकला में NSS शिविर के चौथे दिन बैंक द्वारा चलाई योजनाओं की दी जानकारी। राजकीय महाविद्यालय भट्टुकला में NSS शिविर के चौथे दिन शुक्रवार को बैंक द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर भारतीय स्टेट बैंक के डिप्टी मैनेजर गणेश पारिक ने सभी स्वयंसेवकों और स्वयंसेविकाओं को बैंक द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की जनहित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मैनेजर ने बताया कि एक विद्यार्थी अपने अध्ययन और उद्यम स्थापना हेतु बैंक में किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं। चौधरी मनराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉक्टर पूजा ने स्वयं सेविकाओं को मानवीय मूल्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मनुष्य जीवन में सफल होने के लिए मानवीय मूल्यों का बहुत महत्व है। विद्यार्थियों को हमेशा सत्य, निष्ठा, ईमानदारी, समर्पणता, कर्मठता के साथ कार्य करना चाहिए। एक विद्यार्थी को सर्वांगीण विकास हेतु इन जीवन मूल्यों की अपनाना चाहिए और महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, विवेकानंद, गौतम बुद्ध आदि महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर NSS इकाई के दोनों प्रभारी प्रोफेसर राजकुमार व प्रोफेसर दर्शन सिंह ने भी संबोधित किया। शिविर के दौरान स्वयंसेवकों और स्वयंसेविकाओं ने श्रमदान भी किया। राजकीय महाविद्यालय भट्टुकला की सत्र 2020-21 AQAR की रिपोर्ट हुई सबमिट। राजकीय महाविद्यालय भट्टुकला की सत्र 2020-21 AQAR की रिपोर्ट महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. सुभाष सिहाग द्वारा शुक्रवार को सबमिट की गई। महाविद्यालय की IQAC कमेटी ने AQAR के इस कार्य को पूर्ण करने के लिए पिछले एक वर्ष से लगातार लगी हुई थी। महाविद्यालय प्राचार्य ने समय सीमा में सत्र 2016-17 से लेकर सत्र 2020-21 तक के AQAR के कार्य को पूर्ण करने में समस्त IQAC कमेटी के सदस्यों की लगन व मेहनत की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर IQAC कमेटी से विक्रांत मोहन, सीताराम, ज्योति झाजड़ा, अमित कुमार, दीपक सियाग सहित अनेक स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।